नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त और एक बार इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे IIM ट्रिची का, ट्रिची के बारे में। ट्रिची मीन्स तिरुचिरापल्ली, सो ट्रिची इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ तिरुचिरापल्ली। सो तिरुचिरापल्ली में भी एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का एक इंस्टीट्यूशन है जिसको हम बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तिरुचिरापल्ली। जब भी हम इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के बारे में सोचेंगे तो हमारे दिमाग में और हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और उस सभी सवालों का जवाब ये वीडियो आपको देगा। तो मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा ताकि आपके दिमाग में जो भी सवाल हैं उन सभी सवालों का समाधान ये वीडियो करने वाला है। तो देखते हैं, जब हम भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के बारे में सोचते हैं तो कौन से सवाल होते हैं। तो जैसे कि हम सोचते हैं तब हमारे दिमाग में सवाल होते हैं कोर्सेज़ के बारे में, कौन कौन से कोर्सेज़ वहाँ पे ऑफ़र किए जाते होंगे, फीस कितना होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगा, एक्सेप्टेड एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या होगा, हाईएस्ट सैलरी पैकेज कितना मिलेगा इफ़ वी कंप्लीट अ कोर्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ओवरऑल परसेंटाइल रैंक पीटी क्या होगा, हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये और बहुत सारे सवालों का जवाब और इस और बहुत सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के दौरान मिलने वाला है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों को एक दरख्वास्त है, आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा और आपके पूरे सवालों का समाधान करके आप निकलिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो, अब तक आपने मेरा ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एकेडमिक इंसाइट्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में यहाँ पे जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार की नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस अपने आप मिलती रहेंगी। तो बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जिसमें हम देखेंगे IIM ट्रिची के बारे में, उस जिसको हम बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तिरुचिरापल्ली और ट्रिची। तो देखते हैं ये जो तिरुचिरापल्ली वाला IIM इंस्टीट्यूशन है कब स्थापित हुआ। ये जो इंस्टीट्यूशन है वो स्थापित हुआ 2011 में। इसका NIRF रैंकिंग भी हुआ है जिसको नंबर मिला है 19 नंबर है NIRF रैंकिंग के हिसाब से इस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन का। ये जो कैंपस है, ये कैंपस 175 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है। यहाँ पे 5 अलग अलग प्रकार के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, अलग अलग 5 प्रकार के कोर्सेज यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। और बाद में जो देखेंगे हम फीस के बारे में, अगर फीस के बारे में हम सोचेंगे देखेंगे तो यहाँ पे जो फीस चार्ज किया जाता है 5 अलग अलग कोर्सों के लिए वो है 5.9 लाख टू 6.18 लाख पर एनम पर कोर्स। तो ये है फीस का रेंज जो अलग अलग कोर्सेज के लिए यहाँ पे चार्ज किया जाता है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो हमारे पास इस इंस्टीट्यूशन के कोई भी कोर्स को एडमिशन लेना है तो हमारे पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना ज़रूरी है और उस डिग्री के साथ अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस डिग्री में हमें 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर हम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमें 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करेंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो हमें कैट नामक एग्ज़ाम देना ज़रूरी है जिसको हम बोलते हैं कॉमन एडमिशन टेस्ट, वो देना ज़रूरी है। अगर हम पिछले साल की 2020 की हाईएस्ट सैलरी पैकेज के बारे में अगर बात करेंगे तो पिछले साल इस इंस्टीट्यूशन में जो कंपनियां रिक्रूटमेंट के लिए आई थी उन्होंने 54.50 लाख पर एनम का पैकेज जो सबसे हाईएस्ट था वो ऑफर किया है। अगर हम हॉस्टल फैसिलिटी की बात करेंगे तो हॉस्टल फैसिलिटी इस कैंपस में अवेलेबल है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो यहाँ पे यूनिक जो हर एक IIM इंस्टीट्यूशन में फॉलो किया जाता है वही प्रोसेस यहाँ पे फॉलो किया गया है और वो प्रोसेस है एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसका मतलब है कैट के मार्क्स, जीडी के मार्क्स, पीआई के मार्क्स, ये तीनों मिला के एक ओवरऑल परसेंटाइल रैंक पीटी निकालते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पे एक जनरल कैटेगरी का ओवरऑल परसेंटाइल रैंक बताया है, वो है 95%। अब हम बात करेंगे स्कॉलरशिप की। यहाँ के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी ऑफर की जाती है। जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से आते हैं, फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से आते हैं, उनको यहाँ पे स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है और उनको स्कॉलरशिप का बेनिफिट दिया जाता है। तो ये था वीडियो जो हमने बनाया IIM
IIM के बारे में। मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही में आप ये बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार की वीडियोस आगे भी मिलती रहेंगी। और जाते जाते ये वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बिल्कुल कमेंट करना ना भूलिएगा। ये था मेरा वीडियो। आने वाले वीडियो में और भी हम देखेंगे अलग IIM के इंस्टीट्यूशंस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।